नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हैं। दोस्तों, आज हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन होना था वन रैंक वन पेंशन का 2019 में होना था ऑटोमेटिक, लेकिन अब 2022 चल रहा है, यानी कि एक दो साल के अंदर तो दोबारा से रिविजन का समय ही आ जाएगा। क्योंकि जब ये ORP 2 लागू की गई थी सरकार के द्वारा, तो 5 साल में इसके ऑटोमेटिक रिवीजन का प्रावधान दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पेंशन धारकों ने इतने साल संघर्ष किया है, यानी 2014 से लेकर 2022 तक लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। अपनी भूख प्यास को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर लगातार जंतर मंतर पर वो अड़े रहे हैं। तो काफ़ी सारे पेंशन धारकों का ये मानना था कि रिव्यू पेटिशन नहीं डाली जानी चाहिए थी। वो हम इसके लिए बता रहे हैं कि रिव्यू पेटिशन डालना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पेंशन धारक हमारी सभी पेंशनर्स की आवाज़ को आगे उठाते हुए इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे। उसका केस जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया, तो फिर एक ही जो चांस बचता है हमारे पेंशन धारकों को, अगर वो रिव्यू पेटिशन फाइल नहीं करते तो उनको दोबारा से ही केस फाइल करना पड़ता। उनका जो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो टाइम 30 दिन के अंदर अंदर ही टाइम था उनके पास कि वो यहाँ पर रिव्यू पेटिशन डाल सके। तो जो हमारे पेंशन धारक, काफ़ी पेंशनर्स के जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं कि रिव्यू पेटिशन नहीं डालनी चाहिए थी, इसकी वजह से पेंशन रिवीजन लेट हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को मैं क्लियर अपडेट दे रही हूँ कि रिव्यू पेटिशन को 14 जुलाई को एक्सेप्ट किया गया है 14 जुलाई को, और जो पेंशन रिवीजन का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो तो जून में ही समाप्त हो चुका है। यानी कि समय पर तो वो पहले भी नहीं हुई, रिव्यू पेटिशन का सिर्फ बहाना दिया जा रहा है ताकि हमारे पेंशन धारक हैं जो वो गुमराह हो सकें, पेंशन धारक कंफ्यूज हो सकें कि रिव्यू पेटिशन की वजह से जो है हमारी पेंशन रिवाइज नहीं हो पा रही है, जिससे कि पेंशन धारकों पर दबाव बनाया जा सके। ये सरकार की रणनीति है कि पेंशन धारकों पर रिव्यू पेटिशन के नाम पर दबाव बनाकर रिव्यू पेटिशन को वापस करवाया जाए। लेकिन हमारे पेंशनर संगठन ने जो है आवाज़ उठाई और जो रिव्यू पेटिशन को भी फाइल किया, और अब वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ORP 2 को लेकर भी अब अलर्ट हो चुके हैं कि अब बहुत समय हो चुका है। अगर 1 या 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा फाइल की गई है उस पर कोई अपडेट नहीं देता है, तो तुरंत से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्यों इस हियरिंग को इतना टाला जा रहा है, और हमारे पेंशन धारक जो इतने सालों से ऑलरेडी वंचित हैं अपने हक से, उनको उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? हर बात पर डिले ही क्यों हो रहा है? हमारे पेंशनर संगठन ने अब जो यूनिटी, एक साथ एकजुटता का साथ मांगा है सभी पेंशन धारकों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी एकजुट हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। अगर आप जंतर मंतर पर पहुंचने में असमर्थ हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप ज़रूर जुड़े रहें, जिससे कि पेंशनर्स के साथ कोई भी अन्याय न हो, एकजुटता के साथ आवाज़ उठाई जा सके। और सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर जुड़े रहें, और हमारे उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स, जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, 1 या 2 दिन के अंदर ही इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला आएगा, और अगर नहीं आता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधे सीधे यहाँ पर चार्ज लगाया जाएगा। ये अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस मामले पर जैसे ही कोई भी अपडेट आती है, हम तुरंत से आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।